हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द कोर्स एडिट। सो गाइस, कैसे हो सारे? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगा हमेशा की तरह। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले कुछ इस टाइप की एडिटिंग यार, जो कि भाई हमने किया लाइटरूम के। एंड गाइस, इसका ये रहा बिफोर पिक एंड ये रहा आफ्टर पिक। सो देखने में कितना ऑसम एंड काफी अच्छी कलर ग्रेडिंग हुई है यार। बस यार, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना, आप इजीली सीख जाओगे यार कुछ इस टाइप की एडिटिंग। एंड आपको वीडियो जैसे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर देना यार। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, ये रही हमारी नॉर्मल सी फोटो। एंड हम लोग को अपने फोटो को उस टाइप एडिटिंग करने के लिए, मतलब इस टाइप एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे लाइटरूम के अंदर। ठीक है, सो मैं यहाँ से अपने इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेता हूँ एंड उसके बाद लाइटरूम के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे फोटो का, आ चुका है लाइटरूम के अंदर। एंड जैसे भाई आपका फोटो आ जाएगा लाइटरूम के अंदर, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप लोग वो देख लो। तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑटो का बटन दिखेगा, तो जस्ट आप लोग को अपने फोटो को लाने के बाद सबसे पहले आप लोग को ऑटो का बटन पर क्लिक कर देना। एंड उससे आपका जो भी फोटो के अंदर जो भी थोड़ा बहुत लाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर फोटो का देख सकते हो। ठीक है, सो एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए लोग भाई मैनुअली करेंगे, तो उसके लिए लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे। एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक, यहाँ पे सारा सेट है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को और यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, -12। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सपोजर को मैं यहाँ पे -0.73। एंड अगर उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट को थोड़ा 25 एंड उसके बाद ब्लैक को मैं यहाँ पे 6 एंड उसके बाद यहाँ पे शेडोज को मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे भाई जो भी हमारे फोटो के अंदर जहाँ पे डार्क एरिया रहेगा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शेडोज को 71 कर लिया। एंड गाइस, अब देख सकते हो आप लोग बिफोर एंड आफ्टर कैसा हमारा फोटो, काफ़ी अच्छी लाइट आई है हमारी फोटो के अंदर बिफोर पिक से। सो यार, ये तो हमने किया लाइट एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, तो इसके बाद हम लोग चले आएंगे कलर वाले ऑप्शन में। सो गाइस, कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ कुछ 14-10 के आसपास रखना। एंड गाइस, टिंट को मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टिंट को रखता हूँ 4। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे विब्रेंस को कुछ इंक्रीज कर दूंगा भाई, विब्रेंस का अमाउंट को कुछ रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 83 के आसपास। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ अब यहाँ से मिक्स टूल में। ठीक है, सर, मिक्स टूल में जाने के बाद हम लोग को चलाना है यहाँ पे ऑरेंज कलर में। एंड ऑरेंज कलर का यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लुमिनेंस को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा, जिससे भाई हमारे फेस को थोड़ा लाइट आए। एंड मैं यहाँ पे सैचुरेशन को भी थोड़ा कुछ माइनस कर देता हूँ, जिससे भाई हमारा जो फेस को थोड़ा कलर आ गया तो वो भाई माइनस हो जाए, समझ रहे हो ना आप। सो उसके बाद क्या करना, अब हम लोग चले आना येलो कलर पे। सो येलो कलर पे आने के बाद इसका सैचुरेशन को यहाँ पे माइनस करना। ठीक है, सैचुरेशन को यहाँ पे कुछ -48 एंड उसके बाद -51 एंड उसके बाद ह्यू को माइनस कर देना कुछ -100। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना, हम लोग को चले आना ग्रीन कलर पे। सो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, पहले मैं यहाँ पे पहले इसका कर लेता हूँ, ह्यू को यहाँ पे माइनस कर देना ग्रीन कलर का एंड सैचुरेशन को प्लस कर। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। मतलब गाइज, ये कि आप लोग को इस टाइप का कलर करने के लिए पहले आप लोग का अपना का बैकग्राउंड का जो कलर है उसे आप लोग को येलो कलर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी तक आप लोगों करके बताया, तो सेम अपने फोटो को पहले लाइटरूम के अंदर लाने के बाद इसे इतना कर लेना येलो कलर अपने बैकग्राउंड का कर लेना। एंड गाइज, उसके बाद येलो कलर जब आप कर लोगे अपने बैकग्राउंड का, जैसे अभी तक मैंने करके बताया, एंड उसके बाद आप लोग को फिर मिक्स टूल से डन कर देना। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं फाइनली, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मेन स्टेप के बारे में, जो कि भाई हम लोग अपने बैकग्राउंड का कलर कुछ इस टाइप का कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटो का। सो गाइज, फोटो का बिफोर ये रहा एंड आफ्टर ये रहा। सो गाइज, ये तो देख लिया आपने बिफोर एंड आफ्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने फोटो का बैकग्राउंड का कलर कुछ इस टाइप का कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना, आप लोग को प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना। एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद गाइज, आप लोग जस्ट नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल करना। एंड यहाँ पे आप लोग दिखेगा आर्टिस्ट 03 दिखेगा, तो आप लोग को जस्ट इस वाले फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, एंड इस वाले प्रोफाइल बोलो फिल्टर बोलो, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का अमाउंट जो वो 100 पे सेट रहेगा। आप लोग अगर 200 कर दोगे तो आपका बैकग्राउंड का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसका जो हम लोग को तो बनाना कुछ इस टाइप का कलर, तो मैं यहाँ पे इसका अमाउंट को जो है कुछ -112 रख रहा हूँ कुछ। एंड इतना पे सेट करने के बाद गाइस 114 एंड उसके बाद मैं यहाँ से डन कर दिया। एंड आप लोग अगर बैकग्राउंड कलर पिंक करना चाहते हो तो उसे भाई आप लोग 200 कर दो, हो जाएगा भाई आपका बैकग्राउंड कलर। एंड उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद टेक्सचर को 6, कैलरिटी को 34 एंड गाइस विग्नेट को यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ -20। ठीक है, सो विग्नेट को मैं -20 एंड उसके बाद गाइस आप लोग ऊपर की तरफ स्प्लिट टोन दिख रहा था, आप लोग को स्प्लिट टोन में चले जाना। एंड यहाँ पे हाइलाइट्स को है, जो हाइलाइट्स है यहाँ पे हाईलाइट को आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन 5 एंड हाईलाइट 227 रखना। एंड उसके बाद गाइस आप लोग को डिटेल वाले ऑप्शन में चले आना।
यहाँ पे शार्पनेस को 43, नॉइज रिडक्शन को 17, कलर नॉइज रिडक्शन को 17 एंड डिटेल को आप लोग को यहाँ पे रखना कुछ 64 एंड उसके बाद स्मूथनेस को आप लोग को 86 एंड गज उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे पूरे का पूरे बोले तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। सो देख लेते हैं भाई। सो गज बिफोर एंड ये रहा आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो काफ़ी अच्छा भाई कलर ग्रेडिंग हुई है। ओके सो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो बस बिना लग के कहीं भी मत जाए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मैं आप लोग के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ जो कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।